भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से वाराणसी में संपन्न हुए भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक में तय हुए कार्य योजना को झारखंड प्रदेश में लागू करने पर विशेष चर्चा हुई। वहीं संगठन को मजबूत कराने, आगामी कार्य योजना पर चर्चा, पिछले 2 वर्षों में मोर्चा के कार्यकाल की समीक्षा, आगामी आंदोलन की रूपरेखा आदि पर भी चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव होना है, ऐसे में कई सीट अनुसूचित जाति की आरक्षित है, लेकिन राज्य में जाति प्रमाण नहीं बनने से प्रत्याशियों को काफी परेशानी होने वाली है। वहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से वैसे युवाओं को भी दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें नौकरी के आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा का कोई पहल नहीं निकाल रही है। एससी के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, तो पंचायत के चुनाव भी हैं, आधा से ज़्यादा संख्या जो है रिजर्व है, और रिजर्व सीटों पर लड़ने के लिए इस समुदाय के लोगों को जाति का प्रमाण पत्र चाहिए, जो निर्गत नहीं हो रहा है। जैसे तो स्टूडेंट्स को परेशानी भी रही है, उसको लेकर के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रणनीति बनाना है, हो सकता है उसके आंदोलन का भी रणनीति बने जमीन के स्तर पर भी और सरकार को घेरने के स्तर पर भी, ताकि ये निर्गत हो सके। ये सारे विषयों को लेकर क्या प्रदेश अध्यक्ष और